Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Ma bas nahi Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Hari bol ye iska stand gaan diya Hari bol iska stand kisko paas mein हाँ ठीक है किसको सार के ऊपर नहीं गिरनी चाहिए उसको थोड़ी सी और थोड़ी सी आगे रखो हाँ इसको जैसे ना अभी वहाँ गिरते एक का तो सार में गिर गया हरि बोल हरि कृष्ण इसको ऊपर लगाओ अरे कहाँ लगा रहे फिर गिरे हे भगवान अगर वहाँ गिर गया तो कोई बचेगा नहीं हरि बोल उसको ऊपर रख दो हरि बोल सुना हरि कृष्ण हरि बोल उसका पीछे तुलसी वृंदावन बिहारी की लाल आगे करता है यार इधर पागल है इधर हर चीज़ हो गया अरे घुमा दो ना बोले हरे कृष्णा हरे जय जय सोमति नंदन गोकुल रंजन कान जय यशोमति नंदन दमन विधान कार्य जय जसुमति नंदन ब्रज वरनागर गोकुल रंजन कान
Jai 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 Jai
सबके अनुगत में हम लोग जहाँ परिक्रमा करते आए हैं, इस स्थान का नाम ब्रह्मांड-ghat। ठीक ठीक तो उधर आएगा। माँ जसोदा कृष्ण के मुख में समस्त ब्रह्मांड दर्शन किया था। ये कृष्ण के धुरित भक्षण माटी खाने का स्थान है। ये बहुत समय से लीला इधर ही है। अब इधर बोलने के लिए हमारे तीन भाई हैं, दो चाचा भाई एक भाई भाई है, श्री श्रीधर महाराज, श्री सिद्धांत जी, रामचंद्र प्रभु। इन तीनों मिलकर ठीक करे कौन हिंदी बोलेंगे, कौन बांग्ला, कौन इंग्लिश। ये लोग स्थिर करके आज के अंग्रेजी बोलबो ना, इन्हीं बांग्ला बोलबे, अभी हिंदी बोले, इन्हीं इंग्लिश बोले। ओम अज्ञानते मिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में अभी जहाँ पर आए हैं, ये स्थान का नाम ब्रह्मांड-ghat है। ये अभी अभी माधव महाराज बोल रहे थे ना, यहाँ पर माधव महाराज बता रहे थे, ये पास में ये गोकुल है, ये पास में ये गोकुल है। कृष्ण 3 साल 2 महीना तक ये गोकुल में कृष्ण रुके हैं, इसलिए इसके अंदर में जितने सारे उनके लीला है वो सारे लीला कृष्ण यहीं पर किए हैं। उतना कुमारे सकटासुर कुमारे उन्होंने त्रिनाभर्त कुमारे यहीं पर उन्होंने मिट्टी खाए, इसलिए कृष्ण सखाओं को साथ में यहीं पर खेलते खेलते यहीं पर आते थे, एकदम पास में ये गोकुल एकदम पास में ही है। एक दिन कृष्ण जब सखाओं के साथ में यहीं पर आए, एक समय सारे सखा लोगों ने सोचा आज हम कन्हैया को हम चिढ़ाएंगे। बोले क्या चिढ़ाएंगे, बोले नंद गोरे जसोदा गोरी, लेकिन तू कहाँ से ये काला कलूठा, तू कहाँ से जन्म ले लिया, इसलिए ये बोल करके हम कृष्ण को चिढ़ाएंगे। और बोले दाऊ भैया को भी उन्होंने अपना साथ में दल में ले लिया, और उन्होंने देख देख करके अकेले कृष्ण को करके देख देख करके बड़ी जोर जोर से हंस रहे थे। कृष्ण ने देखा भैया चक्कर किया है, ये मेरे को इसलिए बोले ये सबके सब एक तरफ होकर के मेरे को अकेले करके ये हंस रहे क्यों। इतने में पूछे भैया बात क्या है, तुम लोग मेरे को अकेले करके ये हंस क्यों रहे हो। बोले कन्हैया इसलिए हम हंस रहे हैं, नंद गोरे जसोदा गोरी, लेकिन तू कहां से ये काला कलूठा, तू कहां से जन्म ले लिया, इसलिए तू नंद जसोदा की लाला नहीं हो, किसने तेरे को जन्म दे करके कहीं तेरे को फेंक करके चले गए थे, और तेरे पिताजी जब सवेरे स्नान करने के लिए ब्रह्मांड-ghat में आए तेरे को यहाँ से उठा करके ले आ, ले करके तेरे को केवल पालन कर रहे हैं, लेकिन असलियत में तुम नंद जसोदा का लाला नहीं। कृष्ण बोले ये बात सही बता रहे, पिता माता अगर गोरे होंगे तो बच्चा भी गोरा होगा, लेकिन ये पिता माता गोरे हमें काला कैसे। लेकिन जब तक दाऊ भैया नहीं बोले ना तब तक कन्हैया विश्वास नहीं करते हैं। इतने में कृष्ण बोले दाऊ ये क्या सच बता रहे हैं। बोले और क्या, नंद गोरे जसोदा गोरी, तू कहां से काले कलूठे जन्म ले लिया। इतने में कृष्ण को इतना दुख इतना क्रोध आया, कृष्ण तो रो रो कर गोकुल में गए। मैया बोली लाला कहा बात है, तू क्यों रो रहे हो। इतने में मैया कन्हैया को गोद में उठाना चाहती है, लेकिन कृष्ण तो उठने नहीं चाहते और जमीन के ऊपर में लोट पोट खा करके रो रहे हैं। बोले बात क्या, बोले बात ये है, सबके सब कह रहे हैं मैं तो तेरे लाला है ही नहीं है, और तुम दोनों गोरे में काले कलूठा कहां से जन्म ले लिया, इसलिए मेरे को सबके सब ये चिढ़ा रहे हैं। इसलिए इतने में मैया ने कन्हैया का सर पर हाथ रख करके कसम खा करके बोले नहीं लाला तू मेरा ही लाला हो।
इसलिए गुरुदेव कहते थे जो मैया जसोदा वो गोरी नहीं है, मैया मोए दाऊ बहुत की जायो, मोते कहत मोल को लीनो तू कत जसुमत जायो। इसलिए इन्होंने दाऊ मोए बहुत की जायो, इसलिए कहते हैं जो मैया जसोदा की जो रंग है वो गोरी नहीं है, श्याम वर्ण की। अगर नियम है, अगर मैया का गुण अगर बेटे में आए ना रंग, कहते वो बेटे को सौभाग्यवान मानी जाती है। अगर पिताजी का रंग स्वभाव अगर किसी बेटी में आए वो बेटी को सौभाग्यवान मानी जाती है। इसलिए यहाँ पर यही लीला हुई है, यहीं पर कृष्ण आ करके उन्होंने मिट्टी को कृष्ण यहाँ पर खाए। बोले कृष्ण मिट्टी क्यों खाए, कारण क्या है? कृष्ण सोच रहे हैं ब्रज में जो कोई आए, रसखान कहते हैं रमन रेती लेट नहीं कियो ना जमुना पान। कहते ब्रज में आकर के हमें दो काम करनी चाहिए, एक तो रमन रेती में लोट पोट खानी चाहिए, दूसरे ये जमुना के पानी में आचमन लेनी चाहिए। जब तक ये दो चीज नहीं लिए तब तक ये ब्रज की महिमा को कोई समझ नहीं सकते हैं। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं ब्रज में जो आए, कहते हैं ना राधे तेरी चरणों की, श्यामा तेरी चरणों के, ब्रज धोलो जमिली जाए, राधे तेरी चरणों के, श्यामा तेरी चरणों के, ब्रज धोलो जमिली जाए, सोच रहे हैं ब्रज में जो आए। यहाँ पर श्री उद्धव जी भी आए, उन्होंने भी यही चीज को प्रार्थना की, आशा मोहो चरण रेणु जुसा मंग वृंदावन किमपि गुलमल लतोषि धनाम। उद्धव जैसे व्यक्ति ब्रज में जब आए, ब्रजवासियों को प्रेम को देखा, वो भी उद्धव शुद्ध है गयो, इसलिए उद्धव भी सिद्धा हो गए और लास्ट में ब्रज गोपियों के चरण की धूल को वंदना किया। ब्रह्मा भी आए, उन्होंने भी यही बोले, तद भाग्यम यह जन्म किम अटव्याम जत गोकुलापि कथमांग्र रजो विषकम। ब्रह्मा जैसे व्यक्ति ब्रज के बाहर छोटे जाति के चरण की धूल को प्रार्थना ब्रह्मा जैसे करते हैं। बोले ब्रह्मा की भैया बात ही छोड़ दो, इनकी बात ही छोड़ दो, ब्रह्मा की बात छोड़ दो, कृष्ण भी स्वयं ब्रज रज की प्रार्थना करते हैं। इसलिए बताए अनु ब्रजामि अहम नित्यं पुये एत अंघ्रि रेणु भी। कृष्ण स्वयं कहते हैं मैं भी भक्तों को पीछे 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 चलता हूँ। बोले क्यों? बोले भक्तों का चरण की धूल पाने के लिए। बोले धूल क्यों पाने के लिए? बोले पुये एत, बोले पवित्र बनने के लिए। बोले भैया क्या आप अपवित्र हो गए हो? बोले हाँ अपवित्र हो गया। बोले क्यों? बोले भक्तों से ग्रहण करते 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 करते, अगर किसी भक्तों को, कितने भक्त सेवा करते हैं, भक्त लोग भगवान को कितना सेवा करते हैं, अगर मैं भक्तों को पूछूं भैया कुछ चाहिए, बोले न धनम न जन्म न सुंदरी कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवताद भक्ति अहै तुकी तोई। भक्तों को अगर मैं कुछ देना चाहता हूँ, कितननाक प्रेष्टम न चपारमेष्टम न सार्वभौमन रसाधिपत्यम, वो स्वर्ग लोको मोह लोको सत्य लोको यहाँ तक भी रसातल लोगों को, यहाँ तक भी मोक्ष को भी भक्त लोग लेना नहीं चाहते हैं। बोले दीयमान अपि न गृह्णति मत सेवक मत सेवनो बिना। मैं भक्तों को देने पर भी मेरे भक्त लोग मेरे सेवा के सिवाय कुछ लेना ही नहीं चाहते। अभी कृष्ण सोच रहे हैं अगर किसी व्यक्ति से केवल लो लो और लो, फिर क्या होगा? ऋणी बन जाओगे। इसलिए कृष्ण कहते भैया इनको तो लेके लेकर मैं ऋणी बन गया, अगर कुछ भक्तों को मांगू ना कहते सेवा दो फिर ऋणी बन जाता हूँ। अभी इनकी ऋणी से मैं उऋणी कैसे बनना चाहता हूँ? इसलिए कृष्ण सोचे अगर इनकी चरण धूली ले लूँ ना मैं उऋणी बन जाऊंगा, लेकिन कोई भक्त मेरे को चरण धूली देंगे ही नहीं कभी। इसलिए मैं क्या करता हूँ, भक्तों को पीछे पीछे छुप छुप करके पीछे पीछे मैं चलता हूँ। बोले क्यों? जब चलेंगे धूल उड़ेगा, धूल उड़ेगा तो मेरे शरीर के ऊपर पड़ेगा तो मैं पवित्र बन जाऊंगा। यहाँ तक भी कृष्ण भी भक्तों का चरण धूली लेने के लिए कृष्ण स्वयं प्रार्थना करते हैं।
इसलिए हम जो तिलक लगाते हैं, तिलक क्या है, ये ब्रज थोली है। यहीं से ही एक दिन नारद कृष्ण से प्रश्न किया, बोले प्रभु जगत में सबसे बड़े भक्त कौन है, बोले समय आने पर बता दूंगा। इसलिए कृष्ण सर दर्द बुखार की लीला की जब किसी तरह से सही नहीं हुए, नारद जी को बोले कैसे सही होगा, बोले जाओ कोई ब्रजवासी अगर मेरे को चरण धूल दे और चरण धूल से स्नान करूंगा तो मैं पवित्र बनूंगा। लेकिन कोई नहीं दिए, लेकिन जब ब्रज में आए ये ब्रजवासी ही चरण धूल दिए और कृष्ण नारद जी सर पर लेकर के द्वारका गए और भगवान को उसमें अभिषेक कराया गया। अभिषेक कराया तो ये तिलक कहाँ से आती है, वही द्वारका से आती। वो क्या है, यहाँ की चरण धूल ही वो रज है, जिसको कृष्ण भी स्वयं तिलक रूप में कृष्ण धारण करते हैं। कहते यही धूली जो थोड़ा बहुत बच गया ना, नारद जी इसी धूली को लेकर कहां पर श्री नवद्वीप धाम में उन्होंने लेकर के वहीं पर छोड़ दिए। छोड़ दिया तो वही श्री नवद्वीप धाम श्री सचिनंदन गौर हरि जहां पर स्वयं प्रादुर्भूत होते हैं, वो नवद्वीप धाम नहीं ये ब्रज की धूली ही वहां पर श्री नवद्वीप धाम रूप में प्रकट हुए हैं। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री नवद्वीप धाम की। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं ये दुनिया क्यों मेरे चरण धूल को प्रार्थना करते हैं। इसलिए एक दिन कृष्ण खेलते खेलते यहीं पर उन्होंने मिट्टी का डेला उन्होंने खा ली। सखाओं ने मना की, कन्हैया मिट्टी मत खाओ, लेकिन सुने ही नहीं, खाते खाते जा रहे हैं। इतने में सखाओं ने जा करके मैया जसोदा से शिकायत करके बोले मैया आज कन्हैया इतने मिट्टी खा रहा है, पेट खराब नहीं हो जाती, इसकी बात नहीं मार रहा है। मैया बोले अभी तक मक्खन चोरी चोरी कर खा रहा था, अभी तक मिट्टी भी खाना शुरू कर दिया। सीधा मैया डंडा लेकर के आई, कहाँ पकड़ी, सीधा कान में, और नहीं सीधा कान में पकड़ी और क्या कहती है, लाला देखा तेरा मुख देखा देख। इसलिए उन्होंने सीधा उनकी कान को पकड़ लिए और कहते अपवित्र है, अपवित्र दुष्ट। देखो बोले जिनका नाम लेने से जीव पवित्र हो जाते, कहते ना नाम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थाम गतो पीवा जह स्मरेत पुंडरीकाख्यम स बाघ्यावेंद्र सूची। जिनका नाम लेने से जीव पवित्र होते हैं, मैया क्या कहती है, बोले अपवित्र कहाँ कान पकड़ रहे, कान में। सारा दुनिया को जो कान पकड़ करके उठाते हैं बैठाते हैं, आज मैया जसोदा उनको कान पकड़ रहे हैं, हैं? बोले बताओ तुमने मिट्टी खाई, बोले मैया मैं साची साची बताऊं ना झूठ बताऊं, बोले झूठ क्यों बताओगे, साची साची बता दे। बोले मैया आज कहा भयो तेरे को पतो है, बोले कहा भयो, बोले आज मैं सखाओं को साथ में लड़ रहा था, कुश्ती युद्ध कर रहा था, करते करते ना मैं सबको परास्त कर दिया, मेरे साथ में कोई टीक नहीं पाए, टीक नहीं पाए। सोचे भैया आज तो इसको साथ में कोई टीक नहीं पा रहे हैं, बोले इसको हम मार खिलाएंगे, और जाकर के तेरे पास में शिकायत कर दिया, और तू इतने भोली भाली तू इनकी बात में जल्दी से जल्दी तू आ जाती हो, इनकी बात में ना आ जाती हो और कहीं बताए। बोले जाने तो मैया कहा भयो, बोले कहा भयो, बोले ये सखा लोग अपना घर से लड्डू कचौड़ी मालपुआ रसमलाई चकाचक चोरी चोरी करके लाते हैं, मैया तेरे को पता है मैं कभी चोरी का चीज खाता ही नहीं। मैया बोले मेरे को अच्छे तरह से बता तू क्या करता नहीं करता, मेरे को अच्छे तरह से बताए। बोले आज मैंने खाया नहीं, इनको पता चला ये तो घर में चुगली कर देंगे, और मैं चुगली करने से पहले और मेरे नाम पर इन्होंने चुगली करा दिया, और तुम इनकी बात ने तो जल्दी जल्दी आ गई। लेकिन इसलिए लेकिन हर माताओं को अपना बच्चों का करतूत पता चल रहता है, इतने मैया को पता कन्हैया बड़ा नटखट है। इतने में कृष्ण ने कहा देखो मैया अगर हमने मिट्टी खाई तो अपना मुंह से तो खाई, बोले हाँ, बोले मेरे मुंह को खोल कर देख ले। कृष्ण ये सोच रहे थे ऐसे हो सकता है अगर मेरे मुंह में बोल दू ना मेरे मुंह को देख लो मैया मान लेगी, लेकिन मैया कहाँ मानने वाली, उनको तो पता है ना कन्हैया कितना नटखट है। इसलिए मैया तो एक धमकी दिखाई दी, बोले मुंह खोल में देखना चाहता हूं। जब मैया एक धमकी दिखाए ना, एक धमकी से कृष्ण का मुंह तो खुल गया। जब कृष्ण का मुंह खुल गया इतने में श्री जोग माया है, जोग माया क्या करती है, कहते लीला बैसे प्रभुरो नाही देहानुसंधान इच्छा जानी लीला शक्ति करा समाधान। देखो ये चीज को अच्छे तरह समझो, बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी। कहती है कृष्ण लीला को जो पुष्टि करने वाले कौन है, ये जोग माया। कृष्ण कुछ नहीं करते हैं,
ये सारे जोग माया कृष्ण की इच्छाओं को जान करके सारे लीला वही करती है। लेकिन कृष्ण की इच्छा क्या है, बोले मैया मेरे को मारे नहीं, मैया मेरे को मारे नहीं। अभी इच्छा शक्ति ने देखा अभी कृष्ण का मुंह में मिट्टी है, अगर मैया अगर मिट्टी को देख लिया फिर तो हाथ में डंडा, डंडा एक नीचे नहीं पड़ेगा वो पीठ के ऊपर पड़ेगा। अगर मैं रहते रहते अगर मेरे प्रभु पीट गए फिर तो मैं जो लीला शक्ति करने वाला फिर तो मेरे ऊपर दोष लग जाएगी। इसलिए उनकी लीला शक्ति ने किया कि वो छोटी सी मुंह में ना ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने दिखा दिया, कितने नदी कितने ब्रह्मा कितने शंकर क्या क्या चंद्र ग्रह नक्षत्र दिखाया। मैया जसोदा खुद को खुद उसके अंदर में देख रही थी, उसके मुंह के अंदर में स्वयं विद्यमान हूं। मैया तो डर गई, हे भगवान मैं क्या अलाई बलाई देख रही हूं, हो ना हो मेरे लाला के ऊपर में कोई भूत, कोई हाँ कोई भूत तो लग नहीं गया, कोई अलाई बलाई तो नहीं लग गई। मैया तो इतने में डर गई और सोच रही है हो ना हो ये विश्व ब्रह्मांड किसके मुंह में, बोले भगवान की मुंह में होता है। मैया को लगने लगा मेरे लाला तो भगवान नहीं। अभी इच्छा शक्ति जोग मैया उन्होंने भी गड़बड़ी हो गई, क्या हो गई, कृष्ण डर गए। अगर मैया को पता चल गया मैं भगवान हूं फिर मैया क्या करेगी, जैसे घर में सालग्राम के लिए छोटी सी मंदिर बनवाए और उसमें थोड़ी सी लड्डू नहीं तो दूध लग करके घंटी हिलाते हुए तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें तुम्हें विद्यम द्रविण तुम्हें तुम्हें सर्वम मम देव देव, जैसे मैया भोग लगाकर फिर दरवाजा बंद कर देती है। कृष्ण सोचे अगर मैया को पता चले गया मैं भगवान हूँ फिर तो मेरे लिए भी छोटी सी एक आएगी और मेरे को बंद कर देगी, थोड़ी सी दूध तो बतासा भोग लगाकर बंद कर देगी। लेकिन ये सखाओं को साथ में मैं जो इतना आनंद ले रहा हूँ फिर आनंद ले रहा तो खत्म हो जाएगी। इतने में जब कृष्ण की ये इच्छा हुई जोग मैया देखा गड़बड़ी हो गई, मेरे प्रभु को मन में तो डर आ गया। फिर कृष्ण की इच्छा को जोग मैया समझ करके उनकी लीला को समाधान कर देती है। फिर सारे विराट रूप को अंतर ध्यान कर दी, अंतर ध्यान करने पर देखा वही छोटा सा मुख कुछ नहीं है। मैया ने देखा ही भगवान मैंने क्या अलाई बलाई देखा, मैंने क्या अलाई बलाई देखा। हाँ देखो यहाँ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती बल्लभाचार्य कहते हैं, बोले ये बताओ भगवान मिट्टी खाए कि नहीं, बताओ बोलो खाए कि नहीं भगवान मिट्टी, बोलो खाए कि नहीं खाए। अगर भगवान मिट्टी खाए, इसलिए श्री बल्लभाचार्य देख रहे हैं भगवान मिट्टी खाए। लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ना अहम भक्षीत बानम वो सर्वे मिथ्या भी संसिना, बोले मैया ये जितने सखा थे ना ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, लेकिन कृष्ण यहाँ पर बोलते हैं मैंने मिट्टी नहीं खाई। तब कृष्ण अगर मिट्टी नहीं खाए, लेकिन मिट्टी कृष्ण मिट्टी खाए थे, इसलिए श्री बल्लभाचार्य यहाँ पर टीका में देते हैं अगर दुनिया बोलेगा अगर भगवान अगर झूठ बोलते हैं फिर क्या भगवान झूठ बोलने में दोष नहीं और हम ही झूठ बोलने में दोष है, दुनिया भगवान पर भी दोष लगाएगा भगवान को दोष देगा। इसलिए बल्लभाचार्य कहते नहीं भगवान कभी झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि भागवत में बताया सत्यं व्रत सत्य परम त्रिसत्य सत्य स जोनी निहितम च सत्य सत्य स सत्य मृत सत्य नेत्रे सत्यात्मकत्वम शरणम प्रपद्ये। ये 33 करोड़ देवता मिलकर के भगवान को सत्य 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 बोल करके त्रिकाल सत्य सत्यम परम धीमही वो परम सत्य बोलकर ध्यान करते हैं, पर भगवान झूठ कैसे बोल सकते हैं। इसलिए बल्लभाचार्य ने दो कारण बताया कैसे भगवान झूठ नहीं बोले। पहला कारण है खाना किसको कहते हैं, अगर हमसे कोई वस्तु अलग हो जब वहां से उसको हम खाए उसको खाना कहते हैं। इतने में कृष्ण अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को दिखाया, बोले मैया तू कह रहे हो मैंने मिट्टी खाई कब, ये विश्व ब्रह्मांड तो मेरे अंदर में विद्यमान है, मेरे से अलग कोई थोड़ी चीज है, मेरे दुनिया देख ले ये तो मेरे अंदर में दुनिया, पर मिट्टी मैंने खाया कहां से, ये एक कारण। दूसरा कारण बताए ना अहम भक्षीत बानम वो, जब इसको संधि करते हैं ना अहम मतलब मैं नहीं मिट्टी खाई है ये होता रहता है, लेकिन जब ना अहम शब्द को अलग नहीं करके जब एक कर देते हैं होता है ना हम, ना हम का एक अर्थ होता है ब्रह्मांड पर जयवाची में। इसलिए श्री बल्लभाचार्य कहते बोले मैया तुमने मिट्टी की क्या बात बता रहे हो, ये विश्व ब्रह्मांड तो मैंने खा करके रखा,
देख अगर तेरी विश्वास नहीं हो रही ना मेरे मुंह फाड़ करके देख ले। उन्होंने देखा अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने अपना मुंह के अंदर में उन्होंने दिखा दिया। इसलिए भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर कहते भगवान ये मिट्टी फेर क्यों खाए, कारण क्या है? एक दो कारण सुन लो। पहला कारण बताए, बोले मैया ये जो मिट्टी खा रहा हूं ना, तू सोच रहे हो मिट्टी अकेले में खा रहा हूं? नहीं मैया, विश्व ब्रह्मांड तेरे, ये ब्रज रज के लिए विश्व ब्रह्मांड तरसते हैं। देख मैया, तब उन्होंने विश्व ब्रह्मांड दिखा दिया। देखो ये जो मैंने मिट्टी ब्रज रज खाया ना, ये विश्व ब्रह्मांड को मैंने ब्रज रज दिया मैया। भू भारण करने के लिए ये जितने सारे अघास रूप बकास रूप जितने सारे राक्षसों को इनको तुमको मारना पड़ेगा। इसलिए बलदेव प्रभु ने कहा नहीं, इसलिए बलदेव प्रभु हाँ बोले मैया हाँ, इसलिए मिट्टी खाई। भू भारण तो हरण नहीं क्या, थोड़ी सी मिट्टी खाकर बोले हाँ भू भारण हरण कर लिया, ये कारण है। दूसरा कारण बताए, पृथ्वी का एक नाम है क्षमा। पृथ्वी का एक नाम है क्षमा गुण पृथ्वी में। देखो पृथ्वी में आप जो कुछ करो, टाटी पेशाब जितने अत्याचार करो, जैसे मैया सब कुछ सहन करती हैं, ये पृथ्वी जीवन में हम जो कुछ करते हैं ये पृथ्वी सहन करते हैं। अभी कृष्ण ने देखा ये पृथ्वी तो क्षमा गुण पृथ्वी में, लेकिन अभी जो मैं ब्रज में लीला करूंगा ना, वो अद्भुत अद्भुत में लीला करने वाला ब्रज में हूँ। है ब्रज में क्या लीला करेंगे, कहते हैं ना के बापा बे वा के पार प्रेम न दिया की सदा उल्टी भाई धार, के बापा बे वा के पार प्रेम न दिया की सदा उल्टी भाई धार। कहते ये ब्रज में मैं सबके जो लीला करूंगा ना, मैं विश्व ब्रह्मांड का मालिक होते हुए भी सखा का झूठा न गाने वाला हूँ। भगवान होते हुए भी मैया मेरे को उखल में बांधेगी, सांसन करेगी, मैं गोपियों की चरण में प्रेम की भिक्षा में भी मैं मांगूंगा। लेकिन ये ब्रज में ये सब लीला करने वाला हूँ, ये ब्रज में ये सब लीला करने वाला हूँ, लेकिन पृथ्वी का एक गुण क्षमा है। इसलिए उन्होंने क्या किया, कृष्ण को सखा लोग बोलेंगे झूठा करेंगे, पीठ पर घोड़ा बनाएंगे, शासन करेंगे, इसलिए पृथ्वी क्षमा गुण। इसलिए पहले उन्होंने क्या किया, मिट्टी को उन्होंने खा करके अपना अंदर में क्षमा गुण को लिखा। कहले भक्तों को जो लीलाओं को कुछ अगर करे तो है पृथ्वी, तुम इनको क्षमा कर देना। उसका तीसरा कारण बताए, उन्होंने पहले पुतना को मारे। पुतना को जब मारे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जहर उन्होंने बीस को उन्होंने पान किया। बीस पान किया तो मुंह क्या हो गया, अपवित्र हो गया मुंह। इसलिए भगवान ने देखा मुंह तो बीस खाकर अपवित्र हो गया, अभी मिट्टी को खाकर क्या करनी चाहिए, इसको हम धुला देते, इसको हम धो देते हैं। एक मिनट खत्म, इसलिए हम इसको धो देते हैं। इसलिए उन्होंने उन्होंने मिट्टी खाकर क्या किया, जो बीस खाया था उन्होंने बीस को उन्होंने धो दिया। पृथ्वी का एक नाम रसा, कहते ना रसा तल, ये पृथ्वी का एक नाम है रसा, है रसा। अभी कृष्ण सोच रहे हैं मैं बड़े होने पर सबसे जो सर्वोत्तम लीला है संति यद्यपि मैं लीला प्राच्या मनोहरा नाही जानी स्मृति रास मन में केद्री स्वभावित। अभी मैं अपना सर्वश्रेष्ठ लीला से रास लीला करने वाला हूँ। रास लीला मतलब जहां पर संपूर्ण रस को मैं आस्वादन करूंगा। इसलिए पृथ्वी का नाम भी एक रसा है। इसलिए बोले बाद में तो पूर्ण रस को मैं आस्वादन करूंगा ही, अभी तो थोड़ा रस आस्वादन कर ही लेता हूं। इसलिए उन्होंने क्या किया, यहाँ का मिट्टी को उन्होंने अपना मुंह में अपना मिट्टी को डाल दिया अपना मुंह में। इसलिए इसमें जैसे श्री अर्जुन, अर्जुन उन्होंने विश्वरूप देखा है, लेकिन कब विश्वरूप देखा, उन्होंने जब भगवान उनको दिव्य चक्षु दिया तभी उन्होंने ये विश्वरूप को उन्होंने दर्शन किया। लेकिन विश्वरूप देखते ही अर्जुन कांप उठे, बोले प्रभु मैंने जो पहले गलती क्या कर दिया, आपको बोला प्रभु मेरे रथ को ले चलो, ले करके बीच दोनों सैनिक को बीच में रखो आदेश दिया, कभी अगर घोड़ा थक गए तो आपने दाना खिलाया मालिश करवाया,
प्रभु मेरे को अपराध को क्षमा कर दो, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। उन्होंने विश्व रूप देखा, अर्जुन तो कांप उठे। लेकिन यहाँ पर जब मैया ने विश्व रूप देखा ना, कृष्ण के प्रति भगवत बुद्धि आई, आई नहीं बल्कि उनके अंदर में आया, हो ना हो मेरे लाला के ऊपर कोई भूत का सवार तो नहीं हो गया। इसलिए मैया ने गैया के पूछ से झाड़ लगवाया, राई नून का मंत्र करके कृष्ण के ऊपर उन्होंने छिड़काव कराया, उन्होंने उनका अंदर में डर नहीं आया है। और बच्चों का एक स्वभाव क्या होता है, मिट्टी खाना इनकी एक स्वभाव, इनके मिट्टी खाना होता है। इसलिए हमारे टीकाकारों ने इसको पीछे बड़ी बड़ी रहस्य बताए, कृष्ण मिट्टी खाए तो कृष्ण क्यों मिट्टी खाए। इसलिए हम लोग ब्रह्मांड घाट में आए, ब्रज रज की बड़ी महिमा है, इसलिए यहाँ पर आकर क्या करनी चाहिए, यहाँ पर लोट पोट खानी चाहिए। इसलिए पास में एक रमण रहती है, जब हम थोड़ा कम आते थे ना, सब महाराज लोग आते थे, वहाँ पर सब लोग धूल लेकर के एक दूसरे के ऊपर फेंकते थे, वहाँ पर लोट पोट खाते थे। लेकिन अभी हम बहुत भक्त लोग आ गए, इसलिए अभी हम वहाँ पर जाते ही नहीं, इसलिए बहुत भक्त लोग आ गए। लेकिन वहाँ पर जाकर बड़े आनंद लेते थे। इसलिए हम सबके सब यहाँ का धूल का स्पर्श करो, अपना शरीर पर लगाओ, क्योंकि जो ब्रज धूल साधारण धूल नहीं, ये ब्रजवासियों का चरण धूलि है। ये हमारी सभी इच्छाओं को ये ब्रजरज हमारी पूरी कर सकते हैं। वंशाकल कृपा सिंधु पावने भो वैष्णव भो नमो। हरे कृष्ण, आप लोग अब तक हिंदी